अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं इधर हॉस्टल में हूँ तो हमारे एक भाई हैं अली भाई, उर्दू बी एस उर्दू के, तो वो कह रहे थे कि असंदा क्यों ना आज शायरी हो जाए थोड़ी सी, आप वैसे भी शेर बोलते रहते हैं अक्सर, तो क्यों ना मजाइया शायरी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है अली भाई, मसला ही कोई नहीं है, कर लेंगे मजाइया शायरी भी, शायर तो हम बहुत बड़े हैं, चलें आज उनसे के साथ बैठ कर थोड़ी सी मजाइया शायरी की जाए और आपको दिखाई जाए। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं जी। तो नाज़रीन, मैं और मेरे अली भाई हम दोनों आ चुके हैं आपके सामने और अब हम शुरू करें। अली भाई आप शुरू करेंगे शायरी या मैं शुरू करूं? चलो जी मैं शुरू कर देता हूं। करें शुरू करें आप। तो शायर है आप, मैं बोल रहा हूं जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर भी है, मतलब यह शायर का एक शेर है कि मुझे दौलत मिले जहां भर की, मुझे दौलत मिले जहां भर की, हसरतों का मेरी शुमार नहीं, तेरे अब्बा की फैक्ट्री है अजीज, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। वाह क्या बात, क्या बात। चलें जी आप बात सुनाएं कोई। मैं भी सुना देता हूं। जाने मुझ में क्या शक्ति है, जाने मुझ में क्या शक्ति है, हर लड़की मुझको ताकती है। वाह वाह। एक मीरपुर नफीस होटल है, उसके वाले से थोड़ा सा लिखा गया है कि यारो मुझे बुलाया है जिसने नफीस में, यारो मुझे बुलाया है जिसने नफीस में, है उसका एक भाई कमांडो पुलिस में। और उसके बाद आल पाकिस्तान जो आशिक हैं उनके लिए हो जाए थोड़ा सा, यहां पर कोई ऐसा सूबा नहीं, यहां पर कोई ऐसा सूबा नहीं जहां पर मेरी महबूबा नहीं। खट पर जब हम सोते हैं आधे नीचे होते हैं। उसके बाद बरादराना इश्क के वाले से है थोड़ा सा, जिन्हें हम हीर कहते हैं, जिन्हें हम हीर कहते हैं वो हमें वीर कहते हैं। अब उनका अहमद महमूद अहमद साहब का एक शेर है नाकाबिलियत, कि हुब मेरिट गिराया जाएगा, माल डट कर कमाया जाएगा, रब के बंदू को कौन पूछेगा, अपना बंदा लगाया जाएगा। मजा आया। उसके बाद आपको मजैया शायर जो तरन्नुम मजा पेश करते हैं जनाब सैयद सुलेमान गिलानी साहब का, क्या शेर सुनाए देता हूँ। अचानक उसने रुख से जब निकाब लिफ्ट कर लिया, अचानक उसने रुख से जब निकाब लिफ्ट कर लिया, तो मैंने आगे बढ़कर अपना हार्ट गिफ्ट कर दिया। मुझे तो उसको पहली बार देख के घुमा हुआ, मुझे तो उसको पहली बार देख के घुमा हुआ, खुदा ने जैसे चांद को जमीन पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद एक और शेर आऊंगा कि मैं उर्दू मीडियम था वो अंग्रेजी नाम थी, मैं उर्दू मीडियम था वो अंग्रेजी दाम थी, सब तोड़ कर प्यार के बंधन चली गई, सब तोड़ कर प्यार के बंधन चली गई, मैं लैंग्वेज का कोर्स यहाँ सीखता रहा, मैं लैंग्वेज का कोर्स यहाँ सीखता रहा, वो गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई। चलें जी हसन साहब एक थोड़ा सा बैड लक के वाले से शेर है, खुदा ने दे दिया दराज कद मुझे, खुदा ने दे दिया दराज कद मुझे, सनम गले लगाऊं किस तरह तुझे। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पांव पर मंजी का पावा आ गया है, पांव पर मंजी का पावा आ गया है, यूं लगा रब का बुलावा आ गया है। एक हकीमाना दर्द का शेर है, हमेशा खाए जो सब्जी, हमेशा खाए जो सब्जी, उसे होती नहीं कब्जी। उसके वादे अगर सच्चे होते, उसके वादे अगर सच्चे होते, तो आज हमारे जुड़वा बच्चे होते। अरे कहना क्या चाहते हो। तेरी आंखों का प्रस्तार जहां है सारा, तेरी आंखों का प्रस्तार जहां है सारा, अहले दुनिया इन्हें मशरूब समझते होंगे, तेरा कद भी है मेरे कद के बराबर 6 फुट, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था, उसके वजह से क्यों किताबें खरीद लाए हो, क्यों किताबें खरीद लाए हो, और कुछ अच्छा सा लिया होता,
एक पिज्जा खरीदते हसन, दूसरा मुफ्त मिल गया होता। अली भाई कोई बात? शरद जी आपको सुनाता के हमें दिल कोर लगती है, हमें दिल कोर लगती है, वो बेबी डोर लगती है, अगर मैं कप न तोड़ पाऊँ मेरी लाहौर लगती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उसके बाद एक तहजीब के हवाले से शेर है, निस्फ ईमान है सफाई भी, कब किसी को पता नहीं होता, नाक उस वक्त साफ करता हूँ जब कोई दूसरा नहीं होता। चले जी हसन साहब बाबा। रन मुरीदी के वाले से है थोड़ा सा, एक सुंदर सजन जरूरी है, एक सुंदर सजन जरूरी है, दिल रुबा जाने मन जरूरी है, रन मुरीदी के वास्ते हसन टॉप की एक रन जरूरी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये शेर है मजाक का, ये रियलिटी नहीं है। इसमें मीरपुरी के वाले से साहब को, मीरपुर जो रहते हैं उनके, थोड़ा सा जुदाई का मौसम ना है कोई बुरी, जुदाई का मौसम ना है कोई बुरी, मैं भी मीरपुरी वो भी मीरपुरी, मैंने कहा दिल रुबा उसने कहा पैसे दिखा, मैंने कहा दिल रुबा उसने कहा पैसे दिखा, मैंने कहा पैसे नहीं उसने कहा कैसे नहीं, मैंने कहा महंगाई है उसने कहा चल तू मेरा भाई है। क्या सुनाऊं तुमको अपने दर्द की दास्तां, क्या सुनाऊं तुमको अपने दर्द की दास्तां, कोई मुंह बना लेती है तो कोई भाई बना लेती है। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। आपकी याद में हमने कलम उठाई, आपकी याद में हमने कलम उठाई, लिया कागज वो तस्वीर आपकी बनाई, सोचा था कि इसको संभाल कर रखेंगे मगर वो तो बच्चों को डराने के काम आई। जी तो नाज़रीन, आली भाई और मेरी तरफ से इतनी शायरी हो सकी आज, उम्मीद करता हूँ आपको शायरी पसंद आई होगी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, उम्मीद करता हूँ आपको शायरी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।